स्नाइपर की देते ना उसके ड्राइवर के, लग जाता है कैसे डायरेक्ट? हाँ मर जाएगा ना ये तो ऊपर दे स्नाइपर की दे। और दे पोली कहाँ जा रही? अबे नहीं वो कूद गया, अबे वो कूद गया, मर जाएगा वो मर जाएगा। तो देखा नहीं वो तेरे को हाई कर रहा था? देखा था ना मैंने। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? तो यार मैं आ चुका हूँ फोर्टनाइट की एक और नई गेम प्ले के साथ में। अब यार देखो ये वाला गेम प्ले जो खेल रहे हैं हम लोग, खेल रहे हैं डुओ, मैं और डेडशॉट भाई। इसमें हम लोगों ने एक डुओ बनाया, मतलब कि मैं वेनम और डेडशॉट कार्नेज। भाई साहब क्या ही तबाही मचाई है हम लोगों ने इस गेम के अंदर, इतनी शानदार विक्ट्री निकली है भाई इसमें, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के। स्नाइपिंग भी देखने को मिलेगी और गजब का गेम प्ले है भाई। मतलब कि इसमें शुरू में तो देखो मेरे पास वेनम होता नहीं है, डेडशॉट भाई को कार्नेज मिल जाता है इसके अंदर सिम्बायट, मैं वेनम के सिम्बायट के लिए जाता हूँ और भाई इतनी बार कोटा में इस गेम में, इतनी बार स्टार्टिंग में होती है लेकिन ये हालत बाद में तो भाई बंदों को बुरी तरह तोड़ेंगे अपन। तो फिलहाल हम लोग इस वाले स्पॉट पे उतरे होते हैं रिस्की रील्स, और क्योंकि यहाँ से मतलब कि लोकेशन पास पड़ता है वेनम का सिम्बायट और कार्नेज के सिम्बायट का, तो हम लोग यहाँ पर उतरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लूट करते हैं, यहाँ पर एक आध बंदे आए होते हैं, सबसे पहले इनको निपटाते हैं फिर चलते हैं बाकी गेम प्ले की तरफ। आओ आओ आओ, कौन सा गाना रहा है? क्या अभी तेरे को मैंने बचाया तो मेरे को गोली मार रहा है भाई साहब। ये बंदा जो अभी गाड़ी लेके भागा है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये बंदा देने वाला है, क्योंकि देखो ये जो गाड़ी लेके भागा अभी यहाँ से, वेनम उठाने वाला बंदा भी यही होगा, ठीक है? ये उठा लेगा वेनम और भाई अपने को मिलती नहीं है वेनम, और भाई ये बंदा उसको लेके कहाँ फुर हो जाता है पता नहीं। मैं इसका पीछा करता ज़रूर हूँ लेकिन भाई मेरी देखना हालत क्या ही होने वाली है उसके बाद में। मेरा कौन सा मार गया? नीला, मेरा नीला है क्या? ओके नीला किधर है भाई? अरे नीले दिख जा कहाँ है तेरा? 300 मीटर ही, नाइस। वो बंदा नहीं पहुंचा यार, इधर आ जाइए। देखो देखते हैं वो तो मिलती है नहीं मिलती, मेरे को लग रहा है वो बंदा वहीं लेके भागा गाड़ी। मेरा वाला लुट गया, अरे मेरा लुट गया, मेरा लुट गया भैंस, मैं तो कूट के निकालूंगा अब भैंस, तो कार्ड लेने आ जाइए मेरा। तेरा वाला तो नहीं लुटा अभी तक, इसलिए दो शॉटगन लेके गया हूँ। यहाँ पे एक जानवर लेके भाग लिया इसको। अरे वो जा रहा, वही बंदा है भैंस, मेरे को लगा ही था इसकी मारता हूँ कभी। अब देखो सामने जो गाड़ी चल रही है सेम वही बंदा है। अब यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि मेरी जो एआर थी वो रिलोड पे थी भाई, और मैं इसको गाड़ी को डैमेज नहीं दे पाया। तो फिलहाल मैं इसका पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी वापस उठाता हूँ और निकलता हूँ इसकी तरफ। पेट्रोल नहीं, इधर गया होगा यार ये। अबे नहीं, बहुत गलत जगह मेरी गाड़ी रुक गई। देखो भाई यहाँ पे फाइट हो रही थी, ठीक है? यहाँ पे वो गाड़ी वाला आकर रुका था। अब मेरे को नहीं पता यहाँ जो दो लड़ रहे हैं उनमें से कोई गाड़ी वाला है या नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत, सबसे बड़ी जो चोट मेरे को लगती है वो है यहाँ पे जो डायनासोर है भाई। ये डायनासोर इतनी दिक्कत देने वाला है ना मेरे को, सब पूरे गेम में ना सबसे ज़्यादा चिड़ी सी चीज़ से मस्ती। ये डायनासोर ना हमेशा गलत टाइम पर गलत जगह आ जाता है। अभी देखो फिलहाल यहाँ पर इस बंदे की किल मैंने निकाल ली, ठीक है? अब मैं आगे की तरफ जाता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक बोट परेशान करता है, सबसे पहले मैं उसको मारता हूँ। मेरे पास एआर की सिर्फ 10 एमओ होती है भाई, मैं सोचता हूँ कि चलो इस बोट को अपन पिस्टल से मारते हैं और देखो यहाँ पे क्या ही होगा। अरे अरे भैंस की डायनासोर, अरे यार ये मार के जाएगा भाई। ये लो भाई
मैं मतलब कि उस बोर्ड को ख़त्म करने की सोच रहा था भाई पिस्टल से, ताकि अपनी एआर की एमओ जो बची कुछ है वो ख़त्म नहीं हो जाए। लेकिन ये पीछे से भाई डायनासोर देखो क्या ही छलांग मार मार के मेरे को घुटनों के बल कर गया। अब जो भी है मैं यहाँ पर डेडशॉट भाई का वेट कर रहा होता हूँ, क्योंकि भाई कार्नेज उठाने गए होते हैं और लकीली भाई उनको कार्नेज मिल भी जाता है, तो फिलहाल वो कार्नेज वार्नेज लेके यहाँ आ रहे होते हैं और मैं यहाँ झाड़ी में घुसा हुआ पड़ा रहता हूँ। अब देखो वो आएंगे, अब पहले रेफ देंगे, उसके बाद इसके बाद हम लोग जाएंगे बोनी की तरफ, जहाँ पे वो बंदा हमको मिलेगा जिसके पास वैनम है, और उसके साथ भी फाइट चलेगी, और देखो वहाँ भी मेरी क्या ही हालत होने वाली है। अरे बोट ये यार, देखो सबसे पहले यहाँ पे मेडिकेट वगैरह लगा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकलेंगे बोनी की तरफ, बोनी की तरफ जाते हुए हमें फाइट वगैरह के साउंड आते हैं तो हम लोग वहीं घुस जाते हैं, और वहाँ से हमें स्नाइपर भी लेनी थी भाई, इसमें स्नाइपर शॉट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो भाई वहाँ से स्नाइपर भी लेनी थी, क्योंकि बोनी में जो NPC है वो स्नाइपर बेचता है ड्रैगन ब्रीथ वाली। भाई क्या ही शानदार स्नाइपर है भाई, इन्होंने फोर्टनाइट वालों ने इस वाले सीजन के अंदर स्नाइपर हटाई दी है इसके अंदर से बोल्ट एक्शन, तो हमको वहाँ जाके स्नाइपर मिल जाती है, पूरे मैप के अंदर एक ही बंदा स्नाइपर बेचता है, तो इससे स्नाइपर उठाते हैं और फिर निकलते हैं। अभी फिलहाल ये वाली फाइट देखो बोनी में क्या ही होने वाला है हमारे साथ। अरे पंच आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ मेरे को दो दो फुटस्टेप आ रहे होते हैं भाई। सबसे पहले मशीन गन पे बैठ जाता हूँ मैं, दो पंच आ रहे हैं मशीन गन पे बैठ गया। ये हरामखोर डायनासोर भाई यहाँ पे भी भाई, वो तो खैर सही है कि मेरे पास मशीन गन थी, वरना ये हम में से एक को तो पकड़ ही लेता। किसने कर रखा है वैसे, एक दिन तो आ रहा है, घूर देगा क्या, मर गया मर गया। मीट खा ले इसका, यहाँ पे मीट खेलते नहीं गई। स्नाइपर लूँ मैं, स्नाइपर की मेरे पास एमओ है नहीं ऑलरेडी। तेरे पास देखिए स्नाइपर की एमओ है क्या? पास हाँ है, ठीक है मैं स्नाइपर ले गया। अरे को रिबूट कर रहा, रिबूट दिया। अरे मैंने मैं इस पे, अरे नहीं यार एक तो लो है, देखिए मैं कुछ हार्ड रहा है इसको दे भाई, इसको तो मत, इसको तो मार दे, तो पिस्टल वाला है, छोड़ कर नहीं गया तेरे पे। अबे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वो पीछे बाकी उसको फिर वो एक वहां से पकता हुआ रहा है, इसको झाड़ लेता ना। तो देखो फिलहाल डेडशॉट भाई ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया, ठीक है, जो कि रिबूट होके आया ही था अभी। अब इसका बंदा जिसके पास वैनम है वो फिलहाल यहाँ से रफू चक्कर हो चुका, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे हील वील लगाएंगे, मेरे को रफ वगैरह करेंगे, और ये बंदा वापस आता है और वापस मेरे को ही नॉक करता है भाई, देखना अभी। यार यार इसका बंदा वो मेरे को फिनिश करेगा, नहीं तेरे पड़ रही, कवर लगा। टिकट तो है मेरे पास, इसके पास मैं ना, मैं इसको कूटना है कैसे भी। ये ग्रीन पम्प तो यार किसी काम की नहीं है, तो मारा था। रेड बॉल ले गया तेरे पास? रेड बॉल नहीं, एक लोग भी जा रहा था ना, ये उड़ता आ रहा कोई। अरे ये रे रे वाइट है वाइट है वाइट है वाइट है वाइट भाई, इस बंदे ने क्या ही एम लगाया भाई, सिर्फ एक गोली का बाकी था ये बंदा। तो फिलहाल यहाँ पे भी डेडशॉट भाई संभाल लेते हैं भाई फाइनली, और यहाँ पे मेरे को लास्ट टाइम रेफ मिलता है, ठीक है। इसके बाद अपन नॉक नहीं होने वाले, अब अपन बंदों को ही पेलेंगे सीधा, ठीक है। तो फिलहाल देखो वैनम अपने पास आ चुका है, ये बंदा ख़त्म हो गया, अब वैनम अपना है इसके अंदर, वैनम कार्नेस दोनों अपने पास आ चुका। इसके बाद देखो अब क्या ही गेम चलेगा, बस यहाँ से NPC से स्नाइपर निकालनी है, और स्नाइपर निकाल के हम निकलते हैं यहाँ से। स्कार है क्या इसके पास? ब्लू स्कार है, ब्लू है क्या तेरे पास? ब्लू नहीं है मेरे पास,
बस स्नाइपर लेके आता हूँ, गाड़ी बैठ, गाड़ी ढूंढे, गाड़ी ढूंढ, अपन को निकलना है। अरे सुन यहाँ पे ट्रक खड़ा है यार, लेकिन गाड़ी चाहिए अपने को वहां तक जाने के लिए। बंदा बिल्ड कर रहा है सामने, फॉल डैमेज लेगा, देखिए वो उड़ के भग गया भाई। वो तो भाई उस बंदे ने सही टाइम पे जंपर यूज कर ली, वरना उसकी बिल्ड टूटती और बंदा सीधा फॉल डैमेज लेके खत्म हो जाता। लेकिन खैर कोई नहीं, फिलहाल हम लोग जोन में जाने का सोचते हैं सबसे पहले, तो हम लोग जोन जाते हैं और आगे की फाइट उसके बाद। कैसे अलग अलग बिल्ड कर रहे हैं भाई, नहीं पहुंच पाएंगे फिर भी। यहाँ से गाड़ी ले क्या, तेरे ऊपर मैं बिल्ड कर रहा हूँ। बहुत पूरे यार हम गाड़ी चाहिए ठीक है, मैं अपन को वहाँ से गाड़ी उठा लेनी चाहिए थी। राइट में बंदा है शायद, सामने ट्रक पड़ा है, ट्रक ट्रक उठा कैसे चलेंगे। बंदा सामने, भाई साहब क्या है, स्नाइपर शॉट पड़ा है इसको। यहाँ पे ये बंदा किसी और बंदे से डैमेज ले रहा था, तो उस बंदे की किल तो अपन ने निकाल ली यहाँ से। अब फिलहाल यहाँ से लूट वूट करते हैं और आगे जाते हैं जोन में, क्योंकि अभी भी हम लोग जोन में नहीं थे। अरे भाई ये ट्रक पहले रुक गया यार, पहुंचाते भाई पहुंचाते। घर के पीछे, घर के पीछे मेरी बात नहीं पाल रहा हूँ आपसे। अरे सामने फाइट हो रही है, करो 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 करो, मैं किट लगा लूँ क्या पहले, रुक लगा लगा लगा, तगड़ी फाइट हो रही है। इसके तो ऊपर इधर कोई चढ़ा हुआ, हाँ देखा उसके टिकाने के लिए दावे हैं, इसीलिए मैं हेल्थ किट लगा रहा हूँ। पीछे से भी बंदे आ रहे हैं, वो देख पीछे वालों को दिया है। अरे अरे वो भाई, वो भाई यहाँ पे हेल्थ किट लगा रहा था भाई, वरना अगर सामने अगर जो बंदा बिल्ड पे खड़ा था ना भाई, उसको आराम से नॉक निकाल सकता था मैं। लेकिन क्या ही करें, पहले हेल्थ किट लगानी थी अपने को। और यहाँ से देखो भाई ये सुअर एक अलग भाई परेशान कर जा रहा है। मतलब यार इस गेम में जानवरों को डाल क्यों रखा है भाई। इसका जो सीजन 6 आया था भाई, उसके अंदर सारे जानवर डाल के इन्होंने सीजन ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब पता नहीं जानवरों को रखने का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए भाई इस वाले अंदर, कौए और पता नहीं क्या क्या। खैर जो भी है भाई, यहाँ पे एक और बंदा स्नाइपर के उससे बच जाता है। फिलहाल मैं यहाँ से लूट उठ रहता हूँ, मेरे पास हेल्थ किट होती नहीं है, तो पीछे जाके मैं हेल्थ किट लेता हूँ सबसे पहले, और मैं निकलता हूँ सीधा जोन की तरफ। अब देखो जितने बच्चे कुचे बंदे हैं ना, सबको पेलेंगे। अब इस वाले जंपर पे देखो यार, तीन तीन बंदे जंप करके गए यहाँ से, पता ही नहीं क्या ही चल रहा था इनका। ये टीम अप करके खेल रहे हैं या क्या पता नहीं क्या। जो भी तक खैर सारे आगे की तरफ निकल जाते हैं जोन में। तो यहाँ पे भाई डेडशॉट भाई ने यहाँ पे बिग पॉट वगैरह मार करे थे, सबसे पहले वो लगाते हैं, हील वील करते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो देखो फिलहाल यहाँ पे हील वील लगाने के बाद हम लोग बचे हुए बंदों को ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे छुपे हुए हैं और फाइट्स वगैरह कहाँ पे हो रही है, और हमको हाथों हाथ ही बंदे स्पॉट हो भी जाते हैं। ये रहा ट्रक के पीछे, ट्रक के पीछे, तो ट्रक में बैठ गया। वो एक और एक छोटा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है इसके, इधर ही आ रहा है वो। अबे अपने लेफ्ट में इधर रीच कर, अच्छा इधर पूछ, वो भी भग गया, भग गया, जान दे सकता हूँ नॉक। अब देखो भाई इसका बंदा उड़ के आगे निकल चुका था, तो इस ये बंदा पीछे से उसको कवर देने के लिए बैठा था शायद, तो इसको तो भाई हेड दे के क्या ही गजब का नॉक करा। अब इसका बंदा आ भी नहीं सकता इसको बचाने, क्योंकि ये जल के खत्म हो चुका। अब देखो भाई सामने ये जो दो बंदे हैं, इनको पता था कि कोई बंदा स्नाइप कर रहा, तो ये बंदा निकल निकल कर देख रहा था कहाँ से पड़ रही है। भाई दो बार इसको मैंने बिल्कुल हेड पे रख के एम करके मारा, लेकिन दोनों बार बच गया ये, इसकी किस्मत बहुत सही थी। लेकिन इन दोनों को भी पकड़ेंगे अपन। तो देखो फिलहाल अपन आगे की तरफ निकलते हैं, स्कार वार उठाते हैं, आगे स्कारल वगैरह पड़ी है, स्कारल तो कैसे छोड़ते हैं अपन। वैसे मेरे पास है स्कारल अभी, लेकिन ये ब्लू है, आगे पर्पल स्कार पड़ी है,
ठीक है, ये उठाता हूँ मैं, फिर हम लोग आगे जोन में जाने की ट्राई करते हैं कि यार हम सोचते हैं चलो पहले जोन कवर कर लेते हैं, थोड़ा हाइट वाइट ले लेते हैं और फिर इन बंदों को देखेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि बंदे हैं कहाँ पे और क्या सीन है। उड़ के अपन हाइट पे चले क्या? इधर आ जाए, इधर पीछे हाइट पे आ जाए। अपन को वैसे भी हाइट की टेंशन तो ही नहीं, अगर चल के भी आएंगे तो इधर का देख करो। हाँ पकड़ लेते हैं एक बार। हाँ बंदा तू कर रहा है सारे बिल्ड मार रहे। अरे एकदम से बिल्ड का साउंड आता है, मैं डर गया। रिपोर्ट हो गया कोई? पाँच है, पाँच बच्चे हो गए, पाँच बंदे हो गए। पाँच पाँच होते हैं, पाँच होते हैं। इधर इधर नहीं हो बस कोई, मेरे को यहाँ की बिल्ड में लग रहा है बंदा। अरे क्या इस वाले ही लगा, देख के भाई देख के, अपन बहुत ओपन में। अपन वो जोन के बाहर है, इधर से इधर से इधर से थोड़ा सा। यहाँ है बंदा, ग्यारह बंदा यहाँ है। सोलो था दो बार। तो भाई यहाँ पे फाइनली एक बंदा जो कि सोलो था वो खत्म हो चुका। अब देखो ये दो बंदे बाकी हैं यहाँ पे। अब उस बंदे को मैं आराम से हेडशॉट देके नॉक कर सकता था, मार्किंग के चक्कर में भाई सही में रह गया। फिलहाल देखो इस बंदे को क्या ही नॉक करेंगे और कैसे घुस के मारते इस बंदे को। अब यार बहुत सही मौका था यार, मार्क के चक्कर में वो उधर निकल गया, वरना एक नॉक हो जाता अभी। दो ही बाकी है ना। बुर। मार कर मार कर तेरा मतलब इस वो दे मेरे को उनकी खोपड़ी दिख रही है। कायम सही मार्क लगा एकदम। ये पेड़ है ना, इस पेड़ के नीचे ब्राउन वाला, इस पत्थर के आगे। अच्छा इस पेड़ में आग लगा दे, साले पेड़ पे। बुर। इस पेड़ में आग लगा दे, इस तरफ आ गया, इस तरफ आएगा। दिखा दिखा दिखा, बिल्ड मत तोड़, बिल्ड मत तोड़ना। हाँ पड़ी उसके पड़ी। बिल्ड टूटने से क्या है कि ओ भाई क्या ही शॉट पड़ा भाई उस बंदे का। सिर्फ है ना टोपी का जो हिस्सा है ना ऊपर का वो दिख रहा था मेरे को हेड पे। भाई क्या ही शानदार हेडशॉट पड़ा उसको। अब जैसे ये बंदा नॉक होता है ना हम लोग पुश कर देते हैं, और भाई इसकी एक के तो किल मिल ही चुकी थी मेरे को। अब देखो दूसरे बंदे को देखो कैसे मारेंगे। ओ भाई नाइस भाई, क्या ही गजब की विक्ट्री निकली है सही में यार। ये वाला गेम खेल के सही में इतना मज़ा आया था, क्योंकि हम दोनों काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे कि वेनम कार्डनेस दोनों का साथ में एक डुओ में विक्ट्री निकल जाए। भाई गजब। आप लोगों के वाला गेम प्ले कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। अच्छा लगा होना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इस वाले वीडियो को सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।